हमारा पार्लर था छोटा सा, मेरा पार्लर तो बन गया था लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे काम करने के लिए। सुरुचि मिश्रा लखनऊ के आलमबाग इलाके में अपने परिवार के साथ रहती हैं। उनकी ख्वाहिश अपने पार्लर को ऊंचाइयों पर ले जाने की है, लेकिन फाइनेंस की कमी के चलते सुरुचि के सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। हमारी थोड़ी समय आर्थिक स्थिति जब आप कुछ कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो कम हो जाती है, नहीं इतनी ज्यादा हो पा रही। फाइनेंस की समस्या का समाधान सुरुचि को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में नजर आया और उन्होंने आसानी से मिलने वाले लोन की इस योजना का फायदा उठाया। हमने लोन के बारे में ये सुन रखा था कि जब हमें चाहिए होता है तो एक महीना, डेढ़ महीना, चार महीना, कितना टाइम लग जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन सर मुझे बहुत आसानी से लोन मिल गया। हम गए, जाने के बाद ही मैंने फॉर्म वगैरह फिलअप किया, वहाँ पे उन्होंने सर्वे के लिए भेजा और मुझे लग रहा है विदिन 15 डेज हमें लोन मिल गया। इतनी जल्दी तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। सुरुचि के सपनों को अब पंख लग गए हैं। पहले की तुलना में जैसे अगर हम दिन भर भी मेहनत करते थे, क्योंकि सिर्फ 2 चेयर की हमारे पास सेटिंग थी, अब हमारे पास 5 to 6 चेयर की सेटिंग हो गई है, तो सर जस्ट डबल ट्रिपल हो गया है। तो अगर एक अनुमान लगाया जाए कि पहले हम शायद अगर 1,000 रुपये एक दिन में कमाते थे तो शायद 5 से 6 हज़ार रुपये दिन कमाते। अपने साथ साथ सुरुचि दूसरों के भी सपनों को पूरा कर रही हैं। अब उनके पास अच्छी खासी टीम है जिन्हें सुरुचि के माध्यम से रोजगार भी मिला है। हमारे यहाँ 7 लोगों को सर मैंने जॉब दिया है, और एज ए हमारा सैलॉन है तो एज ए ब्यूटिशियन, हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट। दीदी ने अपने साथ साथ हम लोग को भी और हमारे जैसे और भी लड़के हैं सबको मतलब सपोर्ट किया है यहाँ पे, मतलब रोजगार दिया है यहाँ पे, हम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, पर से आगे चल के हम अपना भी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं इसके जरिए। पार्लर के तहत हमें जॉब मिली है जिसके तहत हम अपने घर में भी सेवा कर पा रहे हैं, खुद भी अपना खर्चा उठा पा रहे हैं। सैलून का काम बढ़ने से आय में इजाफा हुआ है और परिवार में खुशियां छा गई हैं।